गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ स्ट्रिपर वेस्ट वाटर वर्किंग प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि स्ट्रिपर्स क्या होते हैं, जो मेरा वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए स्ट्रिपर्स का क्यों यूज़ किया जाता है एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड विद स्ट्रिपर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता है। सो, सबसे पहले कि हमें स्ट्रिपर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, याद रखिएगा कि जो भी वेस्ट किसी भी प्लांट से जनरेट होता है उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि उस वेस्ट के अंदर कितना BOD होना चाहिए और कितना COD होना चाहिए एंड वेरियस अदर थिंग्स TDS एक्सेट्रा। सो वो जो भी पैरामीटर्स हमें दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमको मीट करने पड़ते हैं। अब आपका वेस्ट किस तरीके का जनरेट हो रहा है सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। मान लीजिए आपके वेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है या फिर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इन दैट केस आप उसको डायरेक्टली ETP में भेजेंगे तो ETP का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर मान लीजिए आपका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन सारे सिनेरियोज़ में बेसिकली हम स्ट्रिपर्स का यूज़ करते हैं। स्ट्रिपर का बेसिकली यूज़ रहेगा अगर आपको 2 या 3 कंपोनेंट्स का कोई मिक्सचर दिया जाता है, वहाँ से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, मान लीजिए एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट आपको रिमूव करना है वेस्ट से, तो वहाँ पर आप स्ट्रिपर का इजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिजॉल्व गैसेस प्रेजेंट हैं तो उन गैसेस को भी रिमूव करने के लिए आप स्ट्रिपर का इजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपका मान लीजिए कोई जो प्रोडक्ट है वो आपका लिक्विड फेज में है और आपको उससे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना है, तो इन दैट केस आप वहाँ पे भी स्ट्रिपर का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम स्ट्रिपर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो स्ट्रिपर का वर्किंग प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का स्ट्रिपर यूज़ कर रहे हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपका वेस्ट कौन सा है उससे आपको किस तरीके से कौन सा मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है, सारा का सारा सिलेक्शन उस पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो स्ट्रिपर अलग तरीके का लगेगा, मान लीजिए आपको जस्ट उससे वेस्ट गैसेज रिमूव करनी है तो स्ट्रिपर अलग तरीके का लगेगा। तो सिलेक्शन आप डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का स्ट्रिपर चाहिए। ये मैं एक जनरल तरीके का इंटरनल्स उसका बता रहा हूँ। जनरली जो स्क्रबर के इंटरनल्स होते हैं स्ट्रिपर के, उसके अंदर आपकी पैकिंग्स होती हैं, ये आपकी रैंडम पैकिंग्स हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्ड पैकिंग्स हो सकती हैं या फिर इवेंट ट्रिक टाइप भी हो सकते हैं। ये पैकिंग्स आपकी जैसे डिस्टिलेशन टावर्स में आपने देखा है उससे काफ़ी ज़्यादा सेम रहती हैं। अब ये जो पैकिंग्स दी जाती हैं, ये पैकिंग्स इसलिए दी जाती हैं ताकि मान लीजिए मेरे को कोई मटेरियल, जैसे कि आपने डिस्टिलेशन में देखा है पैकिंग्स का जो रोल रहता है सब कि हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र दोनों को इफेक्टिव वे में करवाने के लिए वो सफिशियंट सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। वो जो सरफेस एरिया होता है कॉन्टैक्ट एरिया और टाइम, ये उसको इंक्रीज कर देता है, इसीलिए बेसिकली पैकिंग्स का यूज़ किया जाता है। अब सेम स्ट्रिपर में भी रोल पैकिंग्स का होता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं अगर मेरे को एक स्ट्रिपर सेलेक्ट करना है तो याद रखिएगा सबसे पहला कि मेरे को जो भी मेरा वेस्ट है उससे क्या रिकवरी करना है। इसके बाद में जो स्ट्रिपिंग एजेंट है वो कौन सा मेरे को यूज़ करना है, आइदर इट्स स्टीम, एयर या फिर इनर्ट गैसेज मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इनका सिलेक्शन बेसिकली डिपेंड करता है, कई सारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, जो मेरे को रिमूव करना है मटेरियल उसकी सॉल्युबिलिटी किस में है, इसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी किसके साथ में है, डिग्री ऑफ क्रोजिवनेस, कौन सा इनमें से एजेंट है वो डिग्री ऑफ क्रोजिवनेस कम देगा और कौन सा मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं पहले एनालाइज करता हूँ। अगर आप किसी भी डिज़ाइनर को ये डाटा प्रोवाइड करेंगे कि मेरे को मेरे वेस्ट है, मेरे वेस्ट की ये कंपोजिशंस हैं और मेरे को अपने वेस्ट से इस चीज़ की रिकवरी मैं चाहता हूँ या फिर मैं अपने वेस्ट से ये चीज़ें रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो डिपेंडिंग अपॉन दैट
आपको स्ट्रिपर डिजाइन करके देगा कि आपको किस हाइट किस डाया का चाहिए और उसके अंदर आपको कौन सी पैकिंग्स यूज करनी है, क्या फ्लो रेट्स मेंटेन करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो डिज़ाइनर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। इसके बाद में आपको क्या ऑपरेटिंग कंडीशंस रखनी है, किस साइज़ का इक्विपमेंट चाहिए, ये सारा का सारा बेसिकली आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक छोटा से एग्जांपल से बताया है, दो तरीके के स्ट्रिपर्स मैंने दिखाए हैं। पहला मान लीजिए आपका कोई वेस्ट ऐसा है जिसके अंदर वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं या फिर उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट है। इन दैट केस आप नॉर्मल सा एयर स्ट्रिपर यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग आप देखिए कितना इजी है। ये टॉप से आपका कंटेमिनेटेड वाटर आया, यहाँ पे ये आपकी स्प्रे नोजल्स लगी हुई हैं। अब ये स्प्रे नोजल्स लगी हुई हैं, बीच में ये पैकिंग्स पड़ी हुई हैं, नीचे से आपका एयर इन कर रही है। अब नीचे से आपकी एयर इन की और ऊपर से आपका वाटर स्प्रे नोजल्स के थ्रू स्प्रे होकर यहाँ पे आया। बीच में ये पैकिंग्स दी हुई हैं जिनका काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इफेक्टिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हीट और मास ट्रांसफर के लिए। तो यहाँ पे वाटर और एयर ये दोनों सफिशियंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और इन दोनों के बीच में आपका मास ट्रांसफर होगा। अब इसमें जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स या फिर अमोनिया प्रेजेंट है, ये एयर अपने साथ में लेके टॉप से निकल जाएगी और नीचे से आपको बेसिकली क्लीन वाटर बाहर मिल जाता है। ये होता है पहला सिनेरियो। अगर मैं सेकेंड सिनेरियो की बात करता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई वेस्ट है जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है, अब आपको सॉल्वेंट को रिकवर करना है। इन दैट केस बेसिकली ये डिस्टिलेशन टावर के जैसा ही सेटअप होता है। आपने बीच में अपना जो भी कंपोनेंट है उसको फीड किया। अब जैसे ही आप डिस्टिलेशन टावर में कोई भी कंपोनेंट सेंटर से फीड करेंगे तो जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स हैं जो बेसिकली आपके सॉल्वेंट्स रहते हैं वो आपके टॉप पे जाने लगेंगे और यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है, आप उस कंडेंसर पे कलेक्ट करके उसको रिसीवर में लेके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और जो मेरे हाई बॉयलर्स होंगे वो मेरे बेसिकली नीचे की तरफ बैठने लग जाएंगे। अब यहाँ से आप फीड डाल रहे हो, आप इसको सिस्टम को यहाँ पे एक रिफ्लक्स की लाइन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपने फीड डाला, टॉप से आप इसका सॉल्वेंट कलेक्ट करते रहे और इसके अंदर बचेगा खाली हाई बॉयलर। अब उस हाई बॉयलर को आप नीचे से सीधा एमई मल्टीपल इफेक्टिव एपोरेटर्स इनमें आप भेज सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि पहले जो सॉल्वेंट आपका वेस्ट में जा रहा था उस सॉल्वेंट को अब आप रिकवर कर रहे हैं और उस सॉल्वेंट को डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्योरिटी कि उसकी प्योरिटी कैसी आ रही है आप उसको आइदर सेल कर सकते हैं और आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये जो टॉप में आपका सॉल्वेंट कलेक्ट हो रहा है आपको इस सॉल्वेंट को लेना है और उसका एनालिसिस करवाएंगे। अगर वो रीयूजेबल आ रहा है तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको सेपरेट डिस्टिलेशन टावर में डाल के आप उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। ये इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस होते हैं। और दो तीन तरीके के स्ट्रिपर्स प्रेजेंट होते हैं बट अपने प्रेजेंटेशन में मैंने जस्ट ये दो तरीके के बताए हैं। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।